हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल तिवारी इंटरव्यूज वंस अगेन। आज जिस गाड़ी में हमने काम किया वो है उसके सामने XUV300। ये मॉडल जो है W8 टॉप एंड मॉडल हमने जो काम किया मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमने इसके अंदर काम किया वो है इसकी फ्लोरिंग, जो मैटिंग हमने लगाया बेसिकली भाई इसके अंदर जो है इम्पोर्टेड वाली मैटिंग है, ये नॉर्मल मैटिंग नहीं है। अगर गाड़ी यूज़ करो ढंग से यूज़ करिए तो आप ये एक अच्छी चीज़ है, आप लगा सकते हो, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। इसलिए प्रॉपरली सीटें खुलेगी, मैटिंग पूरी होती है, देख लो आप। फिनिशिंग बेसिकली सर, फिनिशिंग मेन मुद्दा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सीट आगे करना भैया, थोड़ा पीछे से मैं आपको थोड़ी फिनिशिंग चेकअप करा देता हूँ। ये देखो आप फिनिशिंग इसकी, नॉर्मल मैटिंग भी आती है वो भी मिल जाएगी अपने पास, ये इम्पोर्टेड वाली है वो भी मिल जाएगी। भैया को इम्पोर्टेंट काम करवाना था इसे इम्पोर्टेंट मैटिंग, आप देख लो इसकी फिनिशिंग। मैं आपको अदर साइड से भी चेकअप करा देता हूँ। ये देखो भाई मैट की फिनिशिंग आप चेकआउट कर लो, यहाँ से भी देख लो। अगेन गाड़ी यूज़ करनी है तो आप एक अच्छी चीज़ है, रिकमेंडेड है, आप लगवा सकते हो। देन इसके बाद जो हमने किया है गाड़ी के अंदर काम हुआ है इसका वेलकम प्लेट, XUV300 का वेलकम प्लेट। डोर ओपन पे इसकी लाइटिंग है, डोर क्लोज पे लाइटिंग क्लोज है, ये चारों डोर में सेम है, आप देख लो इसकी लाइटिंग। मैं आपको अदर साइड भी दिखा देता हूँ। ये इसका भाई अदर साइड है, को ड्राइवर साइड। तो इसके बाद हमने जो काम किया वो इसका डोर वाइजर है XUV300 का, इसका मोनोग्राम आपको मिल जाएगा। अदर साइड भी आप चेक कर लो। इसके बाद एक छोटी सी एसेसरीज आई पॉप, इसके बाद भाई जो हमने गाड़ी में काम किया बेसिकली इसका आगे का ABS गार्ड लगाया हमने XUV300 के अंदर, आप देख सकते हो इसका लुक फ्रंट से। ये देखो इसका प्रॉपर लुक, बहुत क्लासिकल लुक देता है लगने के बाद। ये देखो आप गाड़ी की लुक एनहांस हो जाती है। ये बेसिकली ये ABS का है, ब्रांड जो है ये वेलकम है, आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग देख लो। इसकी फिनिशिंग मेन मुद्दा है, ये मच्छर है भाई, ये बोलो दाग है, दाग नहीं है, मच्छर है। एक बार फिर से इसकी लुक देख लो आप फ्रंट से, ABS गार्ड लग रहा है, गाड़ी का लुक बहुत हैवी हो जाता है, लगता है जैसे बहुत हैवी गाड़ी है। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो भाई पीछे से इसका ABS गार्ड के साथ डिफ्यूज़र आता है। अगेन इसकी फिनिशिंग आउट चेकआउट कर लो। XUV300 की बैजिंग आपको आगे पीछे दोनों साइड मिल जाएगी, क्योंकि गाड़ी का लुक बहुत अच्छा लग जाता है, इनहांस हो जाता है। देन इसका जो हमने गाड़ी में लगाया वो इसका रिफ्लेक्टर मैट्रिक्स में है, ये देखो आप भाई। ब्रेक ब्रेक इंडिकेटर, ये राइट साइड इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, इसका लेफ्ट इंडिकेटर, पार्किंग, इसका नॉर्मल पार्किंग है, बीच वाला इंडिकेटर, ये दोनों साइड का इंडिकेटर आप देखो। गाड़ी का बैक साइड से रिफ्लेक्टर प्लस ABS गार्ड जो होता है गाड़ी का इनहांस लुक बहुत ज़्यादा इनहांस कर देता है, ये आपको मानना पड़ेगा देखने के बाद। अब जो हमने आगे हेडलाइट्स के अंदर काम किया है वो इसका आप देख सकते हो, ये लाइट ऑफ कर दो, ये बेसिकली प्रोजेक्टर है, ये हाई बीम है इसका और ये फॉग लाइट है। प्रोजेक्टर में बेसिकली हमने भाई है HID लगाई, जो ब्रांड जो लगाया है वो है डैप्स, LED हमने फॉग लाइट और हाई बीम में लगाया वो है एडिशन। HID प्लस LED दोनों का एक साल का वारंटी है, बेसिकली वारंटी का गारंटी होता है। मैं आपको लाइट चेक करा देता हूँ, लाइट है, लाइट ये भाई इसका फॉग लाइट, आप लाइट का फोकस आप चेक कर सकते हो, मेरे ख्याल से बहुत हैवी लाइट है, बहुत बढ़िया फोकस जा रहा है गाड़ी का। एक बार फ्रंट गाड़ी का वाइट लाइट के साथ लुक देख लो आप, लाइट का फोकस, एक अच्छा वाला अंधेरा है पार्किंग के अंदर, आप देख सकते हो साइड में वहाँ पे, ये लाइट हमारी HID दिखाई दे रही है, अंधेरा वो है। मैंने आपको बताया जैसे कि प्रोजेक्टर में हमने HID लगाई है, हाई बीम और फॉग लाइट के अंदर हमने LED लगाया गाड़ी के अंदर। एक अच्छी चीज़, लाइटें बंद कर दो, एक अच्छी चीज़ हमने ये भी किया है W8 के अंदर, आपने देखा होगा ये DLL आता है
ये वाली डीएलएल भी आती है, हमने ये आफ्टर मार्केट का डीएलएल ये वाला लगाया है इसके अंदर। किसी भी काम में कोई वायरिंग कटिंग नहीं हुई है भैया की, इस चीज़ का एश्योरमेंट हम देते हैं। ये देखो भाई डीएलएल लगने के बाद ऑन वाइट, ये देखो आप इंडिकेटर के साथ लाइट, एक बार और चेक कर लो आप। एक बार मैं गाड़ी वाले जो भैया है उनसे पूछ लेता हूँ गाड़ी का काम कैसा हुआ, कैसा लगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है भैया। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगा इस काम के अंदर, रियल रियल बताओ, कोई जरूर फेक नहीं बताना। दो से तीन घंटे पर, ठीक है मैं सजेस्ट फाइल हूँ। अप्रॉक्सीमेटली तीन घंटे के आसपास भैया की गाड़ी में लगा, क्योंकि हाँ तीन घंटे लग गया बेसिकली। काम ठीक हुआ भैया एट द एंड? हाँ ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ। एक प्रॉब्लम आई थी छोटी सी जो कि हो गई रिजॉल्व हो गई है ना जी। ठीक है आपने सुना भैया को, भैया ने बोला जो छोटी सी दिक्कत आई थी वो रिजॉल्व हो चुकी है, और जो टाइम लगा है भैया गाड़ी में टोटल तीन घंटा, भैया दो से तीन घंटा कह रहे, तो मान लो तीन घंटा लगा। अभी गाड़ी चेकआउट कर सकते हो, लाइटिंग चेकआउट कर सकते हो। किसी भी भाई एक बार और, किसी भी गाड़ी के काम के अंदर कोई वायरिंग कटिंग नहीं हुई है, स्पेशली मैं इस चीज़ के इंस्टॉलमेंट देता हूँ आपको, कोई वायरिंग कटिंग किसी भी गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती है। XUV 300 हो, कोई भी गाड़ी हो, आपको किसी भी गाड़ी का मॉडिफिकेशन तिवारी का एसेसरीज और तिवारी एंटरप्राइजेस मिल जाएगा। एड्रेस, शॉप नंबर, हर एक चीज़ आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।